देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज और कल नेल्लोर का दौरा करेंगे। बता दें कि धनखड़ आज यानी 16 अगस्त को कान्हा शांति वनम हैदराबाद जाएंगे। वहीं 17 अगस्त को धनखड़ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र, स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पा विरुपका फाउंडेशन का दौरा करेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि टैक्स अफसर आज यानी 16 अगस्त से फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करेंगे। बता दें कि पहले इस तरह का अभियान पिछले साल मई में चलाया गया था। इसमें 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध जीएसटी चोरी से जुड़े करीब 22,000 फर्जी रजिस्ट्रेशनों का पता चला था। अमृत उद्यान को आज यानी 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त से सितंबर तक यहां जाने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है। बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज की ओर से आज यानी 16 अगस्त को गांधी भवन चौराहे से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। बता दें कि जुलूस के बाद जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। रहटगांव निःशुल्क नेत्र रोग निदान एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर शासकीय एलएन पालीवाल हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यानी 16 अगस्त को लगेगा। बता दें कि शिविर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न व नरसंहार के विरोध में सर्व हिंदू समाज की ओर से आज यानी 16 अगस्त दोपहर 12:30 बजे कृषि उपज मंडी से हिंदू आक्रोश रैली निकाली जाएगी। सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर आज दोपहर 2 बजे बांग्लादेश में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर कट्टरपंथियों उपद्रवियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में सर्व समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। मुजफ्फरपुर के जिला बार एसोसिएशन की एडहॉक समिति आज यानी 16 अगस्त से कामकाज शुरू करेगा। बता दें कि अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने एडहॉक समिति के अधिकारियों व सदस्यों के साथ बीते बुधवार को कोर्ट परिसर स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में बैठक की थी। एसएससी एमटीएस और हवलदार परीक्षा के आवेदन पत्र में सुधार के लिए आज खुलेगी विंडो। आज झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1691 में आज के दिन अमेरिका में योरटाउन वर्जीनिया की खोज हुई थी। साल 1787 में आज के दिन तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। साल 1924 में आज के दिन नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। साल 2001 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का जन्म हुआ था। साल 2020 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।